नमस्कार दोस्तों, झाबुआ अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। इस फेसबुक लाइव के जरिए आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसको लेकर कल से पूरे मध्य प्रदेश में हलचल है, और ख़ासकर बात अगर हम करें झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी इलाकों की, तो एक साइलेंट कोहराम सा यहाँ पर दिखाई देता है। दरअसल कल छिंदवाड़ा में अविश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो घोषणा की है वो ये घोषणा है कि 15 अगस्त 2019 से उनकी सरकार पूरे मध्य प्रदेश के जो 82 से ज़्यादा आदिवासी विकास खंड हैं, ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक मुख्यालयों में, मुख्यालय ने पूरे ब्लॉक में ये नियम बना दिया है उन्होंने कि अब अगर किसी आदिवासी ने किसी साहूकार से कर्जा लिया है तो उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार वो वापस दिलवाएगी, माफ़ करवाएगी। और इसके एवज में जो उन्होंने कर्ज लिया है उसके एवज में अगर गिरवी रखने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन या जेवर का इस्तेमाल किया है तो वो भी वापस दिलवाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी घोषणा थी और इसको लेकर जो साहूकारी वर्ग है उसमें खलबली मच गई है। घोषित तौर पे सामने आके कोई कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन खलबली ज़रूर है। तो मुख्यमंत्री का ये जो फैसला है, इस फेसबुक लाइव के ज़रिए हम उसका विश्लेषण करेंगे, क्या उसके प्रोविजंस हैं, क्या उसके प्रावधान किए गए हैं, कितना उपयुक्त है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं जो मुख्यमंत्री की घोषणा है वो एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये घोषणा की है कि 15 अगस्त से उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है कि आदिवासी इलाकों में साहूकारों से जो आदिवासियों ने कर्ज ले रखा है, चाहे वो गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रख के या जेवर गिरवी रख के, वो कर्ज उन्हें नहीं चुकाना है, वो कर्ज माफ़ कर दिया गया है। अब शब्दों के मायने को समझने की ज़रूरत है। माफ़ कर दिया है तो क्या साहूकारों का वो पैसा डूब जाएगा जो उन्होंने कर्ज के रूप में दिया है? पहला सवाल ये खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार उस कर्जे को चुकाएगी, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और तीसरा ये होता है कि ना सरकार चुकाएगी ना आदिवासी चुकाएंगे जिन्होंने लोन लिया है, बल्कि जो गिरवी रखा हुआ उनका चांदी है या जेवर है या जमीन है वो भी लौटानी पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे साहूकार तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। अगर वो आदिवासी वर्ग से आते हैं साहूकार तो कानूनी धाराओं में कार्रवाई होगी, एट्रोसिटी नहीं लगेगी। लेकिन गैर आदिवासी वर्ग से आते हैं, गैर दलित वर्ग से आते हैं तो उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। जो विश्लेषण है वो मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, क्योंकि झाबुआ ज़िले में बड़ी तादाद में आदिवासी साहूकार भी हो गए हैं और जो अच्छी खासी मोटी दर पे ब्याज पे कर्जा देते हैं, तो उनके लिए भी ये मैकेनिज्म लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर किसी को ये कार्य करना है, साहूकारी का काम करना है, तो उसको विधिवत लाइसेंस लेना होगा। और लाइसेंस की जहाँ तक हम बात करें तो संभवतः झाबुआ अलीराजपुर ज़िले में एक या दो लोगों के पास लाइसेंस हैं। एक कोई फर्म है उसके पास लाइसेंस है और एक कोई अन्य व्यक्ति बताया जाता है, वो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये कारोबार बड़ा है। बात अगर हम इस इलाके की करें तो कारोबार इस तरीके से बड़ा फैला है कि यहाँ पर कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चक्रवर्ती ब्याज चलाते हैं। 4 महीने में अपनी कीमत दोगुनी कर लेते हैं, कुछ 6 महीने में कर लेते हैं, 7 साल भर में भी अपना पैसा दोगुना कर लेते हैं। ये व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इसका विकल्प क्या दिया है, क्योंकि साहूकार के पास, साहूकार पिस्टल नहीं अड़ाता है कि आप मेरे पास आइए, ना वो दाने डालता है। सीधी सी बात है कि इलाके में गरीबी है, भुखमरी है, स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है। जब इमरजेंसी में व्यक्ति उलझता है, बेटे की शादी करनी है, रकम चाहिए, इमरजेंसी में कोई परिवार का सदस्य बीमार हो गया, राशि चाहिए, तो सरकार ने इस बार नई पहल ये की है कि 10,000 रुपये तक की कीमत का एक क्रेडिट कार्ड सरकार दे रही है। और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए
उसकी वैल्यू होगी 10,000 रुपये। आप कभी भी किसी भी ATM से निकाल सकते हैं इमरजेंसी में। तो ये व्यवस्था है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन क्या 10,000 में काम हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है कि झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले में बेटे की शादी है तो 1,00,000 का कर्ज चाहिए, 50,000 का कर्ज चाहिए, 80,000 का कर्ज चाहिए। उसके लिए क्या क्या करेंगे? साहूकार हाथ खड़ा कर देगा, लाइसेंस नहीं है उसके पास, वहाँ खड़ा कर देगा, तो फिर क्या होगा? तो इसमें सरकार को 2-3 दिशा में काम करने की ज़रूरत है। इसे स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, लेकिन कल अचानक से इसको ख़त्म कर दिया गया। परेशानी साहूकारों से ज़्यादा मुझे लगता है आदिवासियों को होने वाली है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 रुपये से उनका काम नहीं होने वाला। हालांकि इस फैसले की मैं तारीफ करता हूँ कि 10,000 की एक क्रेडिट कार्ड टाइप कोई व्यवस्था की गई है, लेकिन ये नाकाफ़ी है। आपातकाल में तात्कालिक राहत हो सकती है, लेकिन स्थायी राहत की बात हम करें तो ये नाकाफ़ी है। तो वधु मूल्य यहाँ पे 2 से 2.5 लाख है। लाड़ी लाना है तो 1.5-2 लाख रुपए खर्च करना है। एक किसान के, ग्रामीण के, अगर वो रूढ़िवादिता में इस झमेले में फंसा हुआ है, 2-3 बेटे हैं, तो उसे जीवन भर कर्ज में रहना है। तो ये कर्ज देगा कौन? अब ये सवाल खड़ा हो गया। साहूकार देगा नहीं, क्योंकि साहूकार के लिए स्पष्ट लाइन खींच दी है मुख्यमंत्री ने कि आप लाइसेंस लीजिए और धंधा करिए, नहीं तो आप जेल जाइए या आपका पैसा डूबना तय है। तो ऐसे में अगर हम कल मुख्यमंत्री के भाषण को सुने तो उसमें कई चीज़ों में स्पष्टता का अभाव है। एक जगह कहा गया है कि 15 अगस्त तक हम ये ऋण, ये जो साहूकार से लिए ऋण है वो माफ़ कर देंगे। एक जगह कहा गया कि 15 अगस्त से प्रक्रिया शुरू होगी। कमेंट्स आने शुरू हो गए, वो कमेंट्स पढ़ रहा था। मनीष पाटीदार जी ने कमेंट किया है, शैलेन सिंह गौंड ने कमेंट किया है। तो पुनः अपनी बात पे आता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है मुख्यमंत्री के इस फैसले कि ये 15 तारीख से शुरू होगा या 15 तक ख़त्म हो जाएगा। 15 अगस्त तो 4 दिन बाद है, तो ये कैसे ख़त्म हो सकता है? मेरे ख्याल से 15 अगस्त से प्रक्रिया शुरू की जाएगी 82 आदिवासी ब्लाकों में, और झाबुआ अलीराजपुर ज़िले के सारे ब्लाक इसमें शामिल है। मोटा मोटा ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि साहूकारों का कर्जा माफ़, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कि जो साहूकारों को कर्जा देगा कौन। और अगर नहीं, मैंने जैसे शुरुआत में फिर से बताया कि 3 नियम हैं, 3 संभावनाएं हैं। नंबर 1, या तो किसान का पैसा, साहूकार का पैसा डूब जाएगा, इस फैसले का ये मतलब है। दूसरा मतलब है कि सरकार साहूकार को पैसा देगी जो कि आदिवासी ने लोन लिया हुआ है या कर्जा लिया हुआ है साहूकार से, वो सरकार देगी। और तीसरा ये है कि अगर नहीं लौटाया और कोई सरकार का भी मैकेनिज्म नहीं है तो फिर एक्ट्रोसिटी एक्ट के मामले बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि सरकार को एक मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। अचानक से आप ऐसा कर देंगे, इससे अफरा तफरी फैलेगी। जो मेरे पुराने अनुभव हैं, पहले भी बी चंद्रशेखर जब यहाँ पर कलेक्टर हुआ करते थे झाबुआ में, तब भी उन्होंने 2 बार ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बी चंद्रशेखर जो चाहते थे वही कमलनाथ कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर यहाँ पर लागू नहीं हो पाया था। कई किस्से ऐसे आए थे जहाँ पर परेशान होना पड़ा था ग्रामीणों को, इमरजेंसी में साहूकारों ने मदद करने से इनकार कर दिया था। दरअसल साहूकारों के असामी बंधी हुई है, 4 गांव में इतने असामी हैं, इस गांव में इतने असामी हैं, किसी साहूकार के 2 हैं, किसी के 3 हैं। तो ये तमाम ऐसी असामी हैं और वो असामी सीधा उन पर निर्भर हैं। फसल बोना है तो माफ़ कीजिएगा कमलनाथ जी, आपके कृषि विभाग के अफसर आपके खाद और बीज साहूकारों को बेच देते हैं, बाजार में व्यापारियों को बेच देते हैं, और साहूकार उनको कर्जा देकर उनको बीज दिलवाता है, उनको कर्जा देकर खाद दिलवाता है। तो अपनी व्यवस्था सुधारिए, फिर क्यों जाना पड़ेगा साहूकारों के पास? अपने तंत्र को ठीक करिए। कृषि विभाग से बीज खेतों में पहुँचने लगे, ईमानदारी से यूरिया पहुँचने लगे, तो क्यों साहूकार के पास जाएगा आदिवासी?
आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के बाद इसे लागू करना था। लागू करने का विरोध नहीं है, अच्छा फैसला है, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है आपके पास इसे लागू करने का, जिसको लेकर पैनिक क्रिएट होगा। ये मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि ये पैनिक क्रिएट होगा, अफरा तफरी सी मच जाएगी। इसका स्वागत कई संगठन कर रहे हैं, दबी जुबान से कुछ खुल के कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ व्यवहारिक पहलू है जिनको देखने की ज़रूरत है, जिसे अनदेखा किया गया है। चूंकि विश्व आदिवासी दिवस था, एक अवसर था, आपको घोषणा करनी थी, नायक बनना था, आप नायक बन गए, लेकिन अपने सिस्टम को सुधारे बगैर आप कैसे कल्पना कर सकते हैं? आपका स्वास्थ्य विभाग की, क्या आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ्त हैं आदिवासियों के लिए? कागज़ पर शायद मुफ्त होंगी। शिक्षा मुफ्त है, कागज़ पर मुफ्त होगी सरकारी, लेकिन अगर उसे निजी स्कूल में पढ़ाना है अपने बच्चे को तो बाजार से कर्जा उठाएगा। अगर उसे ठीक होना है जल्दी, जान बचानी है, तो आपके अस्पतालों में न जाकर, आपकी दवाइयां न खाकर वो निजी अस्पतालों में जाएगा, उसके लिए उसे कर्जा चाहिए। तो आपके तंत्र को ठीक किए बगैर आपने इस सिस्टम को अवैध माना। मैं भी मानता हूँ कि साहूकारी प्रथा बगैर लाइसेंस के ठीक नहीं है, लाइसेंस होना चाहिए, उसके मानक तय होना चाहिए, क्योंकि शोषण भी बहुत है। मैंने ऐसे कई व्यापारियों को देखा है जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। आज 1,00,000 रुपये लीजिए आप, एक महीने बाद 1,50,000 रुपये मांगते हैं, 10,000 के 15,000 रुपये मांगते हैं, 20,000 मांगते हैं। कई लोगों ने सुसाइड भी किया है, कई लोगों ने इलाके छोड़ दिए हैं। तो ये इस टाइप के जो साहूकार हैं, उनको जेल में डालने की ज़रूरत है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन ऐसे साहूकार जो जेन्युइन ब्याज लेते हैं, भले उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन ग्रामीणों की मदद करते हैं, उन पे ये लाद देना एकदम से बगैर मैकेनिज्म के, मुझे ठीक नहीं लगता। और इसको लेकर मेरा ये दावा है कि सरकार को या तो इस फैसले को रोल बैक करना पड़ेगा, या इसमें बगैर कानून के, बगैर उसके शिथिलता लाने का आदेश आपको प्रशासन को देना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना व्यवहारिक दिक्कतें बहुत आने वाली हैं। आधी रात को अगर ग्रामीण फलिए से आता है कि उसका बेटा बीमार है, तो ये साहूकार ही उसकी मदद करता है। ये ध्यान रखिएगा, गाड़ी भी उपलब्ध करवाता है, मदद करता है और जान बचाता है, आपके अस्पताल, आपकी दवाइयाँ। और ये सिस्टम जब तक वो इसे अपनाएगा, तब तक उसके बच्चे की जान चली जाएगी। तो कई व्यवहारिक पहलू हैं, कमलनाथ जी को समझना होगा। एकेडमिक घोषणाएं अपनी जगह हैं, होती हैं, तो राजनीतिक लोग करते हैं, उनके अपने फायदे होते हैं। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी पेज नंबर 63 पे लिखा गया था कि वो ऐसा करेंगे, इसलिए मुझे इसमें आश्चर्य नहीं है। कल भी अपने फेसबुक लाइव में मैंने कहा था कि इसे करने की ज़रूरत है, लेकिन मैकेनिज्म बनाए बगैर आप कर देंगे वो अव्यवहारिक होगा और वो समझ से परे होगा। तो आज के इस फेसबुक लाइव में फिलहाल इतना ही, कल फिर एक फेसबुक लाइव के साथ मिलेंगे। बने रहिएगा जावो लाइव के साथ। इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस पेज को तुरंत लाइक कर लीजिए, ऐसे ही आगे के वीडियो और विषयों के विश्लेषण को देखने के लिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन यानी घंटी दबाना ना भूलें।